तस्वीरों के नज़र आ रही यह हसमुख लड़की अपने परिवार को रोने दे गई है। दरअसल जिस लड़के दे नाल इसने प्यार पाया उसने इसनू व्याह करवाउण दा भरोसा दवाया सी, पर उसने विदेश तो पंजाब आके किसी होर लड़की दे नाल व्याह करवा लिया और लड़की नू कल्ला छड़ दिता। मृतक ईसाई लड़की दे परिवार नू हुण इंसाफ दवाउण दे लई श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ने कमेटी बना दिती है। मृतक लड़की दा परिवार इंसाफ दे लई दर दर दीआं ठोकरां खा रिहा है। लड़की दे वल्लों अमृतसर दे इक निजी होटल दे विच जा के आत्म हत्या कर ली गई सी। जिक्रयोग है कि तस्वीरों के नज़र आ रहा है उही नौजवान है जिस दे नाल लड़की दे प्रेम संबंध सन। फिलहाल लड़की जिस लड़के दे नाल प्रेम संबंधा दे विच सी उस लड़के दे खिलाफ हुण FIR दर्ज करवाई गई है। पीड़ित परिवार दर दर दीआं ठोकरां खा रहा है अते इंसाफ दी मंग कर रहा है। उम्मीद है कि मृतक लड़की दे परिवार नूं जल्द ही इंसाफ मिलेगा। अमृतसर तो अज दी आवाज़ दे लई हरदेव प्रिंस दी रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीटा मैथ्यू है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं लखनऊ के रहने वाली हूँ। क्या बात हुई थी? मेरी बेटी रेचल के लिए मैं यहाँ इंसाफ लेने के लिए आई हूँ। कहाँ रहती थी आपकी बेटी? मेरी बेटी पहले दुबई में थी, दुबई में काम करती थी, वहीं उसकी मुलाकात हुई थी उससे। कितना चिर पहले गई थी आपकी बेटी वहाँ पे? जॉब करती थी या पढ़ने गई? जॉब करती थी। तो लड़के से मुलाकात कैसे हुई? लड़के की मुलाकात वहीं उसकी शॉप में हुई थी। हाँ जी, तो आपकी बात होती थी आपकी लड़की की कि परेशान है वो? हाँ, मेरी बेटी से एक दो बार बात हुई थी। क्या वो बात नहीं करती थी उसके वजह से? सुसाइड क्यों की आपकी लड़की? सुसाइड क्योंकि जब उनका सुलह मशवरा हो गया मैम से मिलने के बाद, उसके बाद वो बाहर गई सड़क में और वो लड़के के मम्मी पापा बाहर थे, उन्होंने उसको बुरा भला बोला बहुत ज़्यादा, तू पैसे ले ली, पैसे लेके चली जाए यहाँ से, तेरा कोई वो नहीं है, तू क्रिश्चियन है करके, और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। क्या मांग करती है सरकार को? क्या मैं मांग करती हूँ कि मेरी बेटी इंसाफ के लिए स्टेट पे आई थी मेरे, और मैं आई हूँ इंसाफ लेने के लिए। ठीक, मेरा नाम रूप कौर संधु है। हाँ जी मैम, मैं कोर्ट से पहुंची की मैट्रिक की है जी, जो लड़की देखी सोशल मीडिया तो वीडियो वायरल हो रही थी। हाँ जी देखो, लड़की से दुबई तो आई सी और एक सिख लड़के ने उन्होंने विआह का झांसा दे के मानसिक शोषण शरीरिक शोषण और पैसे वगैरह जोड़े है ठगे है वो कोलों, उन्हें श्री अकाल तख्त साहिब जी से गुहार लगाई, उतों FIR अपना दुबई के उतो उन्हें एक ईमेल की कि मेरी मदद की जाए। फिर उन्होंने इतने इन्होंने लिए 5 मैंबरी कमेटी बनाई गई और उस दे विच मैनू इन्होंने जिम्मेवारी सौंपी, और उस तो बाद मैं लड़की नू मिली हाँ, उसकी मैं काउंसलिंग करती रही हैं, और फिर दोवें धिरां नू बुलाया इत्थे, इन्हां नू 15-15 दिन का समा भी दिता गया। फिर जिस दिन ये दोबारा 15 दिन बाद दोनों पार्टीज इकट्ठिया हुई ने, उस दिन जब जान लगे ने, उस तो बाद कुछ इन्हां दी आपसी कुछ गलबात हुई है साडे तो अलावा बाहर जाके, तो उस दौरान उसकी माँ ने शायद कुछ लड़की नू बुरा भला किया है, उसके पेरेंट्स ने बुरा भला बोलिया जड़ा कि वो दिल से लै गई और डायरेक्ट उन्हें होटल रोंदी रोंदी गई है और उत्थे जाके उन्हें जड़ी है अपने आप को हैंग कर लिया पखे ना लटक के, उन्हें फांसी ले ली। और उस तो बाद है उन्होंने मदर ने लखनऊ तो आए ने और ये इंसाफ की मंग कर रहे ने, इन्होंने कहा है कि मेरी बेटी भी इतने इंसाफ लैन आई सी, अज मैं उदे लिए इंसाफ लैन आई हाँ, तो साड़ी मदद की जाए। तो फिर कल असी परचा जड़ा दर्ज करवा दिता है पूरे परिवार के उत्ते, लड़का वे माता पिता के उत्ते परचा दर्ज करवा। प्रशासन वालों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? प्रशासन वालों देखो परचा ही दर्ज करवाया, बहुत मुश्किलों के नाल करवाया है और हजे तक ना तो अरेस्ट कर रहे हैं दोषियों और कोई भी जी जिम्मेवारी जी निभा नहीं रहे। लड़का किस कास्ट से बिलोंग करता है? लड़की किस कलर का? लड़का जी सिख धर्म बिलोंग करता है अपने और ये ईसाई भाईचारे बिलोंग करते हैं, और इसे करके उन्होंने अकाल तख्त साहिब जी से दरख्वास्त की थी कि एक सिख लड़का है जी उसने मेरा इदा किया है, तो एक पूरा का एक तरह का साडे कम्यूनिटी में मैसेज जाता है कि यह गलत होया, इन्हों इंसाफ जरा मिलना चाहिए। बहुत देशों विदेशों तो सू फोन आए थे इसलिए, तो अज आए ने माता जी, तो आप जो भी अगर कानूनी कार्रवाई है वो नाल इन्हों रल के मैं करवा रही हूँ।